हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G में आप ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइमिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगी स्क्रीन टाइम आउट की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 15 सेकंड से लेकर 30 मिनट्स तक की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी टाइमिंग सेट करनी हो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो टाइमिंग सेट हो जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक मिनट की टाइमिंग सेट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक मिनट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पर एक मिनट की टाइमिंग सेट हो चुकी है। और ठीक एक मिनट के बाद मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ही ऑफ हो जाएगी, मेरे को ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं।